हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं फैमिली हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अस्थमा प्रॉब्लम्स, यानी जिसको दमा के नाम से भी लोग जानते हैं। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा पब्लिक परेशान है अस्थमा की वजह से। एक्चुअली जब अस्थमा होता है, यानी दमा की प्रॉब्लम जिनको होती है, उन्हें सांस से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे उनको सांस फूलने की प्रॉब्लम, थोड़ा सा काम कर लेंगे तो भी सांस फूलने की प्रॉब्लम, यहाँ तक कि बैठे बैठे भी सांस फूलने की प्रॉब्लम रहती है। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो ये एक्चुअली एलर्जीज की वजह से, जिनके अंदर सांस से रिलेटेड एलर्जी होती है, जैसे सर्दी, जुखाम, खांसी बार बार आ जाता है, नाक से पानी बहुत ही ज्यादा छींके आना, नाक बंद, गले का जाम रहना, सीने के अंदर जकड़न रहना, गले में बलगम वगैरह, इस तरह की इन सब प्रॉब्लम की वजह से उनको सांस लेने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जब वो सांस लेते हैं तो बहुत जोर से, यानी मेहनत करनी पड़ती है सांस लेते समय, तब जाकर के वो लोग सांस ले पाते हैं। यानी कि बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन है ये दमा के पेशेंट्स का, बहुत ही ज्यादा दर्द से वो लोग गुजरते हैं। क्योंकि सांस लेने में आप सोच सकते हैं, अगर सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाए तो इंसान की कंडीशन क्या होगी। सो यही सारी प्रॉब्लम्स रहती है उन लोगों को। तो ये एक्चुअली इसका निदान क्या है, 100% इसका निदान क्या है, आयुर्वेद में क्या इसके इलाजेस वगैरह हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसे प्रॉपर समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब होते ही आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस लेकर के आने वाला हूं जो आपके हेल्थ से रिलेटेड होगी, जो आपके जीवन को बिल्कुल सुखमय, स्वस्थ और खुशहाल बनाने में मदद करेगी। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं मेन टॉपिक पर। तो आज के टॉपिक में है अस्थमा यानी दमा। तो जैसे कि मैंने बताया इसके लक्षणों के बारे में, तो यही एलर्जी यानी कि सर्दी, जुखाम, खांसी वगैरह जब बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, और ये एलर्जी यानी गले से होता हुआ जब फेफड़े तक पहुंच जाता है, तभी हम उसको नाम देते हैं अस्थमा यानी दमा का। यानी जब वो फेफड़े तक डिस्टर्ब करने लग जाएगा, फेफड़े में इन्फेक्शन वो आ जाएगा, तब वो अस्थमा का रूप जो है वो ले लेता है। तो उसके बाद अगर हम कारणों की बात करें तो एक्चुअली ये वातावरण फैक्टर ही होता है जिसकी वजह से होता है। यानी कि जिन लोगों के अंदर एलर्जीज होती है बाहरी हवा से, धूल, गंदगी, धुआं से, पोल्यूशन के वजह से, काफ़ी फैक्ट्रीज वगैरह के जो धुआं निकलते हैं उससे, किसी किसी को परफ्यूम से होता है, डिओड्रेंट वगैरह से होता है, अगरबत्ती वगैरह के धुआं से होता है, मौसम बदलने के असर के वजह से जिनको एलर्जीज वगैरह होती रहती है, ये सारे कारण होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि एक्चुअली किस वजह से होता है, किस वक्त हो रहा है। जब ये आप पता कर लेंगे, आपको खुद डायग्नोस करना चाहिए कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। जब ये जान जाएंगे आप, तो आप समय रहते आप उसका जो है इलाज कर पाएंगे। यानी कि अगर वो होने वाला है, समय वो आने वाला है, या फिर आप ऐसे पोल्यूशन के जगह पर गए हुए हैं या फिर जाने वाले हैं, तो आप पहले ही आप उससे सजग हो जाएंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहला काम आप ये ध्यान दें कि आपको एक्चुअली एलर्जी हो किस चीज से रही है। क्या मौसम बदलने की वजह से हो रही है, उस टाइम में हो रही है, या फिर किसी प्रोडक्ट से एलर्जी है। कई बार काफी लोगों को जो है मूंगफली वगैरह से एलर्जीज हो जाती है, कुछ लोगों को गेहूं से एलर्जी है, यानी कि रोटी से एलर्जीज होती है। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको एक्चुअली एलर्जी है किससे, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम इलाज की बात करेंगे। तो जो एक्चुअली कारण है, ये सारे कारण जिन लोगों की दमा की प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों के अंदर भारत में अक्सर इन सब में से कोई ना कोई एक कारण जरूर देखा जाता है। खास करके जिनको भी दमा की प्रॉब्लम है, उसमें से मैक्सिमम लोग जो है धूम्रपान वाले होते हैं, यानी कि जो लोग धूम्रपान कर रहे होते हैं उनको ये प्रॉब्लम मैक्सिमम देखी जाती है। तो अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं तो आपको इम्यूनिटी से रोक देना चाहिए। और उसके बाद सबसे पहले आपको इसके अंदर प्राणायाम जरूर करना चाहिए। प्राणायाम और परहेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्राणायाम के अंदर कपालभाति आपको करना चाहिए, और अनुलोम विलोम धीरे धीरे आपको जरूर करना चाहिए। ये सब मिलकर के आधे घंटे आपको जरूर करना चाहिए, बहुत ही अच्छा परिणाम दिखेगा। जितने भी एलर्जीज वगैरह है, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम से ही मैक्सिमम एलर्जीज खत्म हो जाया करती हैं। तो ये आप जरूर करें। और टहलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह सुबह आप उठने के बाद टहलें, और शाम को खाने के बाद भी आपको टहलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको ध्यान रखना है।
और अगर घरेलू नुस्खे की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने दालचीनी देखा होगा, दालचीनी का पाउडर आप लेकर के आएँ या फिर दालचीनी खड़ा खरीद करके आप उसको बिल्कुल भी बारीक पीस लें और सुबह सुबह खाली पेट जो है आपको क्या करना है कि 1/4 चम्मच दालचीनी और 1 चम्मच जो है शहद में उसको अच्छे से मिक्स करके और आप इसको चाटें सुबह शाम दोनों ही टाइम खाली पेट। और उसके बाद कच्चा नारियल अगर मिल जाता है तो काफ़ी बेहतर होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कच्चा नारियल आप खाएं। अगर ये चीज़ आपको मिल जाती है यानी कि दालचीनी वाला प्रयोग, दालचीनी और शहद वाला प्रयोग और अगर नारियल मिलता है तो काफ़ी बेस्ट होगा। अगर ये सब मिल करके अगर आप 3 महीने कर देते हैं तो आप देखेंगे कि जो अस्थमा की प्रॉब्लम है यानी दमा की जो प्रॉब्लम है बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गई है। उसके बाद की बात करें तो एक दवा आती है अमृतधारा नाम से, अमृतधारा लेकर के आइए। और जिनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिल्कुल गले में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो अमृतधारा को जो है आप लेकर के आएँ। अमृतधारा में से 4 से 6 बूंद जो है 1 चम्मच गाय के घी के अंदर डाल करके अच्छे से मिला करके और रात को सोने से पहले आप इसकी मालिश करें सर पे, गले पे और सीने में अच्छे से मालिश करके और पीठ पर भी मालिश कर लें तो बेहतर होगा। और इसको मालिश करके सो जाया करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट होगा। और बेहतर परिणाम के लिए आप क्या करें कि आप 1 लीटर पानी के अंदर 6 से 10 बूंद अमृत धारा का डाल करके और आप उसका स्टीम लें, तौलिया ऊपर से डाल करके अच्छे से गले में जो है स्टीम लीजिए, मुंह खोल करके सांस लेकर के अच्छे से आप स्टीम लीजिए। अगर आप इसको लगातार करते हैं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल अस्थमा जड़ से ख़त्म हो गया, 2 महीने के आसपास में अस्थमा बिल्कुल भी जड़ से ख़त्म हो गया है। उसके बाद और एक घरेलू उपाय है, अदरक 1 इंच ले लीजिए, कच्ची हल्दी मिले तो 1 इंच लीजिए और काली मिर्च 4 दाने इसको लेकर के मिला करके अच्छे से कूट लीजिए। कूटने के बाद जो है 1 कप पानी में इसको जो है डाल करके और तब तक पकाएं जब तक ये पानी आधा ना हो जाए और उसके बाद स्वाद के अनुसार इसके अंदर गुड़ डालिए, चीनी नहीं, गुड़ डाल करके आप इसको सिप सिप करके चाय की तरह पी जाइए। इसको आप 3 टाइम कीजिए, अगर ज़्यादा परेशान हैं तो 3 टाइम कीजिए, बहुत जल्द देखेंगे कि दमा के प्रॉब्लम में आपको बहुत ही ज़बरदस्त राहत मिली है और धीरे धीरे बिल्कुल भी जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो रहा घरेलू नुस्खा, अब हम बात करें दवा की। तो दवा के अंदर जिनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो पतंजलि का स्वसारी क्वाथ आता है, ये आप लेकर के आएँ, काढ़ा है बिल्कुल, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन रहता है, आपको जो है ये काढ़ा बना करके पीना चाहिए। अगर उसके बाद सिरप अगर आप लेना चाहते हैं, काढ़ा बनाना नहीं चाहते हैं, तो स्वसारी प्रवाही का जो है पतंजलि का ही एक सिरप आता है, आप उसको लेकर के आइए। 2 से 3 ढक्कन जो है आधे गिलास पानी में डाल करके, वो पानी गर्म होना चाहिए और उसको सुबह शाम जो है आप पिया करें, 3 टाइम पी सकते हैं, आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द आपको राहत मिल रही है। या फिर उसके बाद एक और है क्लासिकल बिल्कुल भी सिरप है कनकासव, ये बिल्कुल क्लासिकल सिरप है, आपको सभी ब्रांड में मिल जाएगा, आप इसको लेकर के आएँ। 3 से 6 चम्मच जो है आधे गिलास गुनगुने पानी में डाल करके आप इसको पिए, सुबह शाम पीजिए, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 3 ही टाइम पी सकते हैं, आप देखेंगे कि बिल्कुल जड़ से आपका जो दमा है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। अगर आपको सिरप नहीं पीना है तो आप टैबलेट भी ले सकते हैं, श्वास कुठार रस या फिर सांस कुठार रस, ये भी बिल्कुल भी क्लासिकल मेडिसिन है, थोड़ा थोड़ा नाम में अंतर रहता है, किसी के नाम में रहेगा श्वास कुठार रस, किसी में सांस कुठार रस, इस तरीके का नाम परिवर्तन करके रहता है। मैं इन सभी दवाओं का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। और ये टैबलेट सुबह शाम 2-2 गोली जो है गर्म पानी से खाने के बाद आपको लेना है, और जितना भी गोली या फिर जितना सिरप मैंने बताया ये सब आपको खाने के बाद लेना है। और कोशिश करें कि खाने के बाद जो है आप यानी कि ये दवा लेने के बाद आधे घंटे कुछ ना लें, तब जाकर के दवा बेहतर तरीके से असर आपको करेगा। और उसके बाद परहेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है आयुर्वेद में, परहेज की बात करें तो फ्रिज का या फिर ठंडा पानी आपको नहीं पीना है, दही चावल लस्सी छाछ केला वगैरह जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं ये आपको नहीं खाना है, अचार वगैरह आपको नहीं खाना है, धूम्रपान बिल्कुल सख्त मना है, अगर सिगरेट बीड़ी वगैरह पीते हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं पीना है। बेहतर होगा कि आप जब भी प्यास लगे तो आप गुनगुना पानी पिएं तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपको सेब पपीता का ज़्यादा सेवन करना चाहिए
और रात में दूध में हल्दी पका करके आपको पीना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त एंटीबायोटिक होता है हल्दी, बहुत ही एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक होता है, जबरदस्त आपको प्रभाव दिखाएगा। तो जो भी मैंने दवा बताया, आयुर्वेद की दवा या फिर घरेलू नुस्खा, इन सभी में से किसी न किसी एक को आपको सेवन करना है, किसी एक को यूज करना है। ऐसा नहीं कि सभी को आपको यूज करना है। आप लोग कमेंट में पूछने लगते हैं कि कितने यूज करना है, क्या सभी को यूज करना है, सभी को कौन करने जाए, तो सभी को नहीं करना है, क्योंकि सभी की बॉडी अलग अलग होती है। आप कोई भी एक करके देखिए, अगर आपको फायदा नहीं हुआ तो आप दूसरा यूज कीजिए, लेकिन सभी को एक साथ यूज नहीं करना है। चाहे आयुर्वेद की दवा हो जो कि मैंने अभी बताया, सो सारी क्वाथ अगर यूज कर रहे हैं तो सिर्फ उसे यूज कीजिए, सो सारी प्रवाही अगर सिर्फ यूज कर रहे हैं तो सिर्फ उसको ही यूज कीजिए, या फिर कनकासो यूज करते हैं तो सिर्फ कनकासो को यूज कीजिए। कोई भी एक सिलेक्ट कीजिए, उसे ही यूज कीजिए, और उससे आपका ये दमा का प्रॉब्लम यानी सांस की प्रॉब्लम बिल्कुल भी जड़ से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।